सर, दिल्ली आबकारी घोटाले में सबसे बड़ा एक्शन इस वक्त हो रहा है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर पर इस वक्त सीबीआई की टीम मौजूद है और इसी के साथ साथ 21 ऐसी जगह हैं जहां पर ताबड़तोड़ इस वक्त छापेमारी चल रही है। मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई की रेड चल रही है। आपको बता दें, 2021 में कोविड महामारी के बीच मुख्यमंत्री केजरीवाल के मंत्रिमंडल ने आबकारी नीति जारी की थी और आरोप ये कि ये कदम निजी शराब कारोबारियों को लाभ पहुंचाने के लिए किया गया और इससे जो पैसे मिले वो पंजाब चुनाव में इस्तेमाल किए गए। तमाम गंभीर आरोप उन पर लग रहे हैं, उनकी सरकार पर लग रहे हैं। मुख्य सचिव की जो जांच रिपोर्ट थी उसमें सरकार पर 4 कानून तोड़ने के भी आरोप लगे हैं। अमित हमारे साथ मौजूद है, कुमार कुणाल हमारे साथ मौजूद है जो कि सिसोदिया के घर के बाहर मौजूद है, पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। ये हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जब सीबीआई की टीम वहां पर पहुंची थी। अमित, ताजा तस्वीरों में दिखाइए किस तरीके की हलचल वहां पर तेज दिख रही है, क्योंकि 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आम आदमी पार्टी को करनी है। आम आदमी पार्टी की क्या तैयारी दिख रही है जब सीबीआई की टीम घर के अंदर है? जी देखिए, इस वक्त सीबीआई की रेड जारी है और आपको सन्नाटा मिलेगा। मैं थोड़ा आपको कैमरा घर की तरफ करके दिखाता हूँ, पूरी तरह से सन्नाटा है। मनीष सिसोदिया का घर है और सीबीआई के अधिकारी इस वक्त अंदर है। देखिए, अभी कैमरे पे आप देख सकते हैं सीबीआई के एक अधिकारी को, सीबीआई की जैकेट में ये जो व्यक्ति हैं ये सीबीआई के अधिकारी हैं, सुबह से यहीं पे है। इसी तरह से रेड चल रही है, लगातार यहाँ रेड चल रही है और जो हलचल है वो इस वक्त मनीष सिसोदिया के घर के बाहर है और हंगामा घर के अंदर हो रहा है, क्योंकि फाइलों को देखा जा रहा है, दस्तावेजों को देखा जा रहा है और कोशिश कहीं ना कहीं इस सीबीआई रेड में यही होगी कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसको कम से कम कंसोलिडेट करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स एक्वायर किए जा सके। ये पूरी तैयारी कम से कम सीबीआई आज यहां से करके जाएगी। इस तरह की तैयारी के साथ सीबीआई के अधिकारी जरूर आए होंगे। ठीक है अमित, आ रही हूँ आपके पास, जरा कुमार कुणाल का भी रुख कर लेते हैं और ताजा अपडेट ले लेते हैं, क्योंकि देखिए कुमार कुणाल जो एक तस्वीर हम देख रहे हैं, अंदर टीम मौजूद है मनीष सिसोदिया के आवास में। इसी के साथ बताया जा रहा है कि दिल्ली में अलग अलग जो अधिकारी इससे जुड़े हुए थे उनके घर पर भी छापेमारी हो रही है। दिल्ली में कितने ऐसी जगह है जहां पर छापेमारी हो रही है और दिल्ली के अलावा किन किन शहरों में छापेमारी चल रही है? देखिए, इसमें कई सारे अधिकारी पाए गए थे। 11 अधिकारियों के खिलाफ इस समय जो अनुशासनात्मक कार्रवाई है उसकी अनुशंसा की गई है उपराज्यपाल की तरफ से। जो सबसे मुख्य अधिकारी हैं रावा गोपी कृष्णन, जो कि तब आबकारी जो पूरी नीति बनी थी उसको बनाने के कर्ता धर्ता गोपी कृष्णन ही थे, उनके घर पर छापेमारी चल रही है, उनके अलग अलग जगहों पर चल रही है। इसके अलावा कई सारे अधिकारी हैं एक्साइज डिपार्टमेंट के, जैसा मैंने बताया रावा गोपी कृष्णन के अलावा 10 सीनियर स्तर के अधिकारी हैं, जिसमें जो आईएएस अधिकारी भी हैं, दानिक्स अधिकारी भी हैं और भी अलग अलग स्तर के अधिकारी हैं। तो उन तमाम लोगों के घरों पर इस समय छापेमारी चल रही है, क्योंकि ये पूरा मामला जो आईएएस अधिकारी होते हैं वो यूनियन टेरिटरी कैडर से जुड़े होते हैं। तो ऐसी जगहों पर जहां पर उन अधिकारियों की नई नियुक्ति की गई है, उन राज्यों में भी जैसे मैंने बताया दमन और दीव, वहां पर भी कुछ अधिकारी यहां से जा गए थे ट्रांसफर के बाद, उनके घरों पर भी इस समय छापेमारी चल रही है। तो एक सघन कार्रवाई है, कोई भी जो लिंक है वो छोड़ना इस समय सीबीआई नहीं चाह रही है, क्योंकि उन्हें पता है कि जो चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट आई थी, जो कि विजिलेंस डायरेक्टर भी होते हैं दिल्ली के लिए, जो दिल्ली में जो विजिलेंस डायरेक्टर है, हम आपको थोड़ी अभी अंदर की तस्वीर दिखाते हैं अर्पिता। इस समय हलचल है, जो सीबीआई की टीम है, मैं आपको सीबीआई की टीम दिखा रहा हूँ। इस समय सीबीआई के जो अधिकारी है इस समय बाहर निकले हैं और आपको दिख रहे होंगे हमारे फ्रेम में कि सीबीआई के अधिकारी और दिल्ली पुलिस के अधिकारी इस समय बाहर निकले हुए। अभी थोड़ी देर पहले कोई हलचल नहीं थी, इस समय अचानक हलचल बढ़ी है, सीबीआई के अधिकारी बाहर निकले हैं और पूरी टीम अभी भी अंदर है। तो गेट पर भी यहाँ पर कोई अंदर ना आए, कोई भी इस तरीके से कोई अनधिकृत व्यक्ति कोई अंदर ना जा पाए, इसकी पूरी व्यवस्था इस समय की गई है। तो ये इस समय हम जो लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि कैसे दिल्ली पुलिस के 2 जवान इस समय ठीक गेट पर बैठा दिए गए हैं ताकि कोई भी अंदर नहीं आ पाए। अभी सीबीआई का एक अधिकारी बाहर निकल कर के आया था, उन्होंने इन पुलिस कर्मियों को अभी एक इंस्ट्रक्शन दिया है कि किस तरीके से यहाँ पर कंडक्ट करना है, क्योंकि मीडिया के समय काफी भीड़ है और भी लोग हैं जो कि यहाँ पर मौजूद हैं। इस समय हो सकता है कि कुछ विरोध प्रदर्शन भी चले, क्योंकि ये राजनीतिक तौर पर भी ये पूरा मामला बहुत गर्म है। तो ऐसी किसी भी स्थिति से निपटने के लिए समय दिल्ली पुलिस की जवानों को तैनात कर दिया गया है।